वेरी गुड। चलिए तो हम लोग देखिए फिजिकल का सब तो ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। चलिए हम शुरू करेंगे। फिजिकल डी एन एफ ब्लॉक। नाम सुना है ना डी एन एफ ब्लॉक? यस सर। यस सर। वेरी गुड। देखिए डी और एफ ब्लॉक में पहले बेसिक बातें हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट डालिए द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। पहले हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे। ब्लॉक इज एन माइनस वन डी वन से टेन माइनस जीरो से टू, समझे? ठीक। आप देखिए जीरो क्यों लिखा गया, तो आपको इलेवेंथ में पढ़ने पढ़ाया था इन पैलाडियम। पैलाडियम का टर्म 46 होता है। ये कैसा एलिमेंट है डी ब्लॉक का जिसमें 4d10 5s ये पूछ सकता है। में एक पैलाडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ns0 से 2। तो कौन ऐसा एलिमेंट जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि होना चाहिए था, लेकिन पैलाडियम का एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। वेरी गुड। डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डन सर। चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो मॉडर्न डेफिनेशन है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट is defined as that element in which d orbital is partially filled. In ground state as well as in combined state, as well as नहीं लिखना चाहिए, और दोनों में से किसी एक में भी unpaired electron होना चाहिए। Partially filled का मतलब होता है d1 से लेकर d9 होना चाहिए।
किसी एक में भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट की परिभाषा ही यही है कि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। yes, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, या पहले इसको लिख देते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सीरीज। पहला है 3D सीरीज, इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें स्कैंडियम 21, इसी पर आप जिंक तक होता है 30, आर्गन 3D1 4 इस स्क्वायर, आर्गन 3D10 4 इस स्क्वायर। इसमें टोटल एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सब लोगों ने लिख लिया, बोलिए साइंटिस्ट लोग। सर एक सेकंड। डन सर। ओडी सीरीज को हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसमें वाई, वाई को कहते हैं इटीरियम, YTRUM से लेकर कैडमियम 48, क्रिप्टन 5s² 4d1 से लेकर क्रिप्टन 4d10। आप सुनिए अच्छे से, अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि आपको ये भी मालूम हो ये सब सिलेबस में कि 4D सीरीज में कौन कौन से है। आपको साइज, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सबका ऑर्डर कहेगा तो आपको पहचान में आना चाहिए। अगर डायरेक्ट याद, 39 है, डायरेक्ट याद हो जाए तो ठीक, वरना ये हिंदी का वर्ड याद रखिएगा, ये जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, एक वर्ड ये हो गया। चांदनी लेकिन इसमें कोई बहाना नहीं कि हमें याद नहीं है, यह सब आपको याद होनी चाहिए कि जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ये सब किस किस ग्रुप, किस सीरीज का एलिमेंट है,
इसका एहसास आगे क्वेश्चंस करने में होगा. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Dancer. Sir, 5D series. एंटेनम 57, उसके बाद 72, 58 से 71 वो F ब्लॉक का हो जाता है, उसके बाद 80 तक. वही अगला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी. ये सब आपको आना चाहिए देखकर ये किस ग्रुप किस पीरियड किस सीरीज का एलिमेंट है. Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया, बताइए. Done, sir. चलिए अच्छी बात है. अब इसमें एक चीज ये है कि Zn
सीडी एंड एचजी आर डी ब्लॉक एलिमेंट तो है बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। Because they have completely filled d orbital in ground state as well as in combined state, जो कि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। और इसमें मेरे क्लास मिस हो गई, स्किप हो गई थी थोड़ी सी। हाँ साद नासिर कहाँ थे भाई? सॉरी सर। आप कहाँ थे तो सॉरी सर, हम ये पूछ रहे हैं। मुझे पता नहीं था सर, अभी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था 4:30 से 5:30 को है क्लास, पता नहीं। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप, कोई बात नहीं है सर। मैं सर अभी रजिस्टर लिख रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक, आप आइए आइए, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए सारे लोगों ने लिख लिया, ये बात सबको समझ में आई? चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। देखिए जिंक जो है D10 ग्राउंड स्टेट में भी है, जब कंबाइन करेगा तो इलेक्ट्रॉन टू लॉस करेगा, और Zn+2 में भी ये D10 है। इसीलिए याद रखिए डी ऑर्बिटल के ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए पार्शियली फिल्ड होना जरूरी है। इसीलिए Zn, Cd और Hg को हम सूडो ट्रांजिशन मैटर कहते हैं। डी ब्लॉक में है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। सुना? हेलो एवरीवन। यस, और लोग तो बोलें यस सर, एक ही के अलावा कुछ तो बोलें। यस सर। वेरी गुड। यस सर। ओके अनुष्का, थैंक यू। इसी तरह बोला करें सब लोग, ठीक है? तो ये याद रखें Zn, Cd, Hg आर डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दे हैव कंप्लीटली फिल इन डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। ये वाला स्लाइड लिख लिया था ना आप लोगों ने? यस सर। चलिए एग्जांपल, मैं कितने पेजेस छोड़ लूं अभी के लिए? आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, 1, 2, 3। 1 ले लिया, ले लिया सर। 2 ले लिया सर। 3 ले लिया सर। 4 ले लिया सर। 5 ले लिया सर। 6 ले लिया सर। 7 ये यहाँ तक। ओके सर, तो राउंड से 4 पेजेस छोड़ देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं है, ऐसे ये सब मैं आपको 11th में पढ़ा चुका हूँ, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है। ये बेसिक बात बताई गई थी डीए ब्लॉक, सबके डीए ब्लॉक के बारे में, ये आपके पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ाया होगा। ओके, सब लोगों ने, दिव्यांशी सब लोगों ने लिख लिया? ओके, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। थैंक यू। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में, सबसे पहला अभी जो हम लोग पढ़ेंगे या शुरुआत में, मैं एकदम सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, पहले वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर्ड का बनना, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये 4-5 प्रॉपर्टीज जो है सब का आंसर एक ही पर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि डी ब्लॉक की डिफिनेशन ही यही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसमें सबसे पहला लिखिए सारे लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब
हम मैग्नेटिक मोमेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, आता ही है क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल और आयन शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी पैरा मैग्नेटिक, इफ इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट और एंड शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इफ इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो पैरा मैग्नेटिक होगा, सारे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका ये होता है अंडर रूट एन प्लस टू और बी एम, बी एम को कहते हैं यूनिट के फॉर्म में बोर मैग्नेटन, एन क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir, done. बहुत अच्छे आदमी आप लोग, मेरी लिखिए लिखिए आराम से लिखिए, ओके दिव्यांश। अच्छा दिव्यांश जी आप मैसेज से जवाब दे रही हैं, क्यों? बहुत अच्छी बात है, आप तो कभी नहीं जवाब, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस बिहेवियर अलॉट, ये तो 1.5 साल से तो बेचारी बोल भी नहीं रही थी ना मैसेज, अलॉट ऑफ थैंक्स, मैं आसमान में तारों को गिन नहीं सकता, मैं शुक्रिया के लिए भी मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कि आप रिस्पॉन्स कर रही हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थैंक यू ए लॉट ऑफ थैंक्स का इन्फिनिटी। लिख लिया सारे लोग? यस सर, यस सर। हाँ तो अब इसी तरह आप रिस्पॉन्स किया कीजिए, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए कि अगर आपको कोई एग्जामिनर कहे Ni प्लस टू का मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आना चाहिए, तो वो तो हम आपको लिखना सिखा चुके हैं, आर्गन शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना सिखा चुके हैं। हेलो एवरीवन, यस। अब देखिए Ni प्लस टू जब होगा तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव 3d8। अब देखिए 8 को लिखने का तरीका आपको मालूम है, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 हैं, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा 2 × 2 + 2 bm, मतलब √8 bm। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर, थैंक यू। लिख लिया सारे लोग? यस सर। गुड, थैंक यू। Fe प्लस टू का आप लोग निकाल के दिखाएं। Yeah.
ओके तो आप पहले इसका लिख लेंगे डी सिक्स में चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं सब लोग बताइए यस सर यस सर वेरी गुड बहुत अच्छे मैग्नेटिक मोमेंट 4×4+2 bm बहुत अच्छे सबका रूट 24 आया होगा बोलिए यस सर यस सर थैंक यू एवरीवन चलिए अब आप लोग एक लिख कर दिखाइए आगे Sc+3 स्कैंडियम का 21 होता है They're done. Yes, sir. कितना है एससी प्लस थ्री का एससी का 21 है कितना आया मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आप बताइए एनसीआर द रूट टू क्यों वाई आर्गन आर्गन में अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो कंप्लीटली फिल्ड होता है ना yes, तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें जीरो ओके सर थैंक यू चलिए ये तो आपको निकाल सबको निकालने आ गया ना कोई डाउट तो नहीं है ना सच सच बोलिए यस सर अच्छा एक लास्ट का मैं क्रोमियम 24 ये मैं थोड़ा किसी वजह से कह रहा हूँ निकालने के लिए निकालिए इसका
आंसर आया रूट 24। अच्छा इसको लिखेंगे 3d5 4s1। आपको मालूम है 24 होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 है तो 6 + 6 + 2 भी है। Without? So, यहाँ पर हमने 3d4 4s2 क्यों नहीं करा? आपको मालूम नहीं क्रोमियम का 24 कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आपको मालूम नहीं? समझ आ गया, हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके। स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए एक कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो एक ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ, गौर से सुनिए कि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, 2 है तो याद रखिए 2.8 होगा, 3 है 3.8 होगा, 4 है तो 4.8 होगा, 5 है तो एक पॉइंट बढ़ा दीजिए 5.9, 6 है 6.9, 7 है तो 7.9, उसी तरह 8 है तो 8.9 होगा। जैसे रूट 48 है तो 49 के करीब है, बताओ इसका रूट 6.9 है। तो एक तरीका ये हुआ कि आपको डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाएगी, 6 है तो 6.9 डिग्री। दूसरा आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयन इज 5.92 bm, ऐसे पूछ देगा, कहेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको क्विक निकालने की जरूरत नहीं है, 5.92 के नाम से डायरेक्ट ये 5 होगा। बोलिए आया समझ में? यस सर। हाँ तो ये पूरा कंक्लूजन इससे साबित हुआ। इस तरह के ट्रिक से आपको आसानी होगी, एक तो वैल्यू भी आपको ये होगा, रूट की वैल्यू लेने में भी आपको ये होगा, और इस तरह भी क्वेश्चन बनने में आसानी। Done, sir. Done, sir.
चलिए सबको समझ में आ गया, लिख लिया? यस सर। चलिए ये मैग्नेटिक मोमेंट का मामला खत्म। अब आइए सेकंड जो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और से सुनिए, पहले लिखिए ट्रांजिशन एलिमेंट, हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, due to presence of large number of unpaired electron. Sir, unpaired electron से क्या होगा, जितने unpaired electron होंगे तो metallic bond, metal कौन बनाता है, metallic bond कौन बनाता है, metal, इसलिए metallic bond ज्यादा strong होगा। Did you understand? Unpaired electron जितने होंगे तो metallic bond ज्यादा strong बनेगा। तो इसलिए मैं अभी वही चीज को डिस्कशन कर रहा हूँ जो सिर्फ अभी अनपेयर्ड पर है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खास बात यह, यहाँ देखिए एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में फर्क समझिए, ये भी मेटालिक बॉन्ड बनाता है, ये भी मेटालिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन डी ब्लॉक के मेटालिक बॉन्ड में क्या है कि एन माइनस वन डी और एन एस दोनों के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप, अभी पढ़िएगा इस दोनों में एनर्जी गैप इतना कम होता है कि वैलेंशियल और इनर्शियल दोनों के इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। यहां एस ब्लॉक के सिर्फ वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, जिस वजह से आपको क्या होगा, इसमें मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता, वीक बनता है, यहां ज्यादा स्ट्रांग बनता है। ओके सर। इसलिए ट्रांजिशन मेटल में ट्रांजिशन मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यहां तक लिख लिया? हां सर। अच्छा, और अच्छे से लिखने, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, फ्रॉम एन माइनस वन डी इन एडिशन टू एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू एन एस, तो NS के अलावा in addition to the NS electron, NS के साथ साथ N-1D, इसलिए इसमें large number of unpaired electron हो जाता है, due to which it forms a strong inter atomic metallic bond. This मतलब सर n minus 1d shell और ns shell के अंदर दोनों में unpaired electrons होते हैं, तो उसके वजह से bond अच्छा बनता है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑब्वियसली दोनों के, हाँ, बॉन्ड में होते हैं, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मेटालिक बॉन्ड और ज्यादा होगा। ओके सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। डन सर। वेरी गुड। अब आइए कि आपके पास जो है कि मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट पीरियड में कैसे होगा। जैसे देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है आपने अभी देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ेगा। तो गौर से सुनिएगा,
आपको मालूम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है आपके पास। यहाँ D1 है, D2 है, D3 है, यहाँ D5 है और S के भी एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ D5 है, यहाँ D6 है, यहाँ D7 है, यहाँ D8 है, यहाँ D10 है, यहाँ भी D10 है, यहाँ S में एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं यहाँ तक, बोलिए हाँ या ना। Yes. Yes, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बताइए क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा अब बताइए क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल 6 है। यस सर। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज में क्रोमियम की होगी, सबसे पहला रिजल्ट। ये भी पूछ सकता है 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, तो क्रोमियम एक बार। उसी तरह 4D सीरीज में देखिएगा मोलिब्डेनम की आएगी, 5D सीरीज में टंगस्टन की आती है। अब गौर से सुने, देखिए ग्राफ इसका रेगुलर नहीं है, ग्राफ देखिए बढ़ रहा है और पूरा हाइट पे। मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड हैं लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम रहती है, जबकि अनपेयर्ड 5 है, इसमें डिप आ जाता है ग्राफ में, ग्राफ भी आपके सिलेबस में। व्हाई मैग्नीज हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, ग्राफ में डिप आ जाता है, ग्राफ फिर बढ़ता है, तो उसका रीजन बताया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम की है, ये बात सबको समझ में आई, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। सिमिलरली इसलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होता क्या है कि शुरू में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है अप टू मिडिल तक बढ़ जाता है, उसके बाद रेगुलर डिक्रीज होता है और लास्ट में सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ D10 है। Initially increases, becomes maximum at the middle of the period, then regular decreases and becomes minimum at the end of the period. Did you understand? Yes, sir. तो मैं वही कह रहा था, ये 3D series, 4D series, 5D series. अच्छा एक मिनट। ब्लॉक मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, पहले ये सीरीज आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 3D सीरीज में क्रोमियम, मिनिमम जिंक का। 4D सीरीज में मोलिब्डेनम, मिनिमम कैडमियम का। 5D सीरीज में टंगस्टन और यहाँ HG तो ऐसे भी लिक्विड फॉर्म में होता है। ये W किसका साइन है? टंगस्टन, टंगस्टन है। ओके सर। डांसो डांसो। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। ये तो शायद लिख चुके हैं ना, ग्रेट, उनके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉरी सर, ये तो लिख चुके हैं, ये ले एक मिनट, ये लिख चुके हैं, ये लिखिए इन एनी रो, चाहे वो 3D हो, 4D हो, 5D हो,
राइज टू मैक्सिमम, मैक्सिमम तक पढ़ेगा एट डी फाइव एक्सेप्ट और एनोमेलस वैल्यू ऑफ मैग्नीज एंड बस दो में टेक्नीशियम में, उसके बाद फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। समझ में आया अब अच्छे से? यस सर। तो टीसी क्या है? टेक्नीशियम 4D सीरीज में आई है। ओके उसमें नीचे लिखिएगा इन 3D सीरीज मैग्नीज हैज एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। टिपिकल स्ट्रक्चर, इसका टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, दो तरह का स्ट्रक्चर होता है और एक डेटा से भी साबित है, इसीलिए कहिएगा नॉर्मली है टिपिकल स्ट्रक्चर की वजह से। ऐसे तो आपसे पूछेगा नहीं रीजन, बस ये पूछेगा किसमें है। उसी तरह 4D सीरीज में भी टेक्नीशियम का टिपिकल स्ट्रक्चर है, दोनों का रीजन यही है। समझ में बात आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे पहली बात आइए कि हम ऑर्डर कैसे याद रखें। ध्यान दीजिए, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कैसे याद रखना है। पहले तो 3D सीरीज में देखिए, एकदम आराम से देखिएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऑर्डर पूछता ही है कॉपर से। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, मैक्सिमम क्रोमियम तक है, हाँ या ना? तो क्रोमियम, फिर वेनाडियम, फिर टाइटेनियम, फिर स्कैंडियम। अच्छा ये बात जान लीजिए, इस राइट साइड लेफ्ट साइड की मेल्टिंग पॉइंट इस राइट वाले साइड से तो ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि रेगुलरली तो डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ ये बात सब तो ऐसे याद रखना है। उसके बाद आयरन एकदम देखिए खटा खटा, कोबाल्ट, निकल, फिर मैग्नीज, मैग्नीज में डिप आ जाता है कॉपर, सिल्वर। सबसे ये याद रखिए कि लेफ्ट साइड वाले की मेल्टिंग पॉइंट राइट वाले साइड से ज्यादा होगी। मैग्नीज में डिप आ जाता है, डिप इतना डिप आ जाता है कि जिंक से तो ज्यादा ही होगा, जिंक कॉपर से। ग्राफ आपके सिलेबस में है, दिया हुआ है। तो आपको ये सब याद रखना है, ये सब ऑर्डर दो चार एलिमेंट दे देगा, एकदम आसान है याद रखना, कोई टफ नहीं है। आइए ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब आपसे कोई कहेगा यही हर ग्रुप में होगा 3D 4D 5D। अब देखिएगा ग्राफ आपको बना हुआ इसका भी। एक तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा एटॉमिक नंबर के साथ साथ इसी तरह का है। पहले ग्राफ बढ़ रहा है, फिर डिप है, फिर आपके पास बढ़ रहा है, इस तरह का है ग्राफ। तो 5D का देखिए ग्राफ ऊपर से, तो इसी तरह देखिए 3D 4D में गौर से सुनिए। जैसे हम 3D 4D 5D में आते हैं तो बताइए इनर शेल में
इनर शेल में, इन इनर शेल, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी, इन एफ सब शेल। याद है आपको एफ की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, हाँ या ना? यस। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, और जितना साइज छोटा होगा तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम 3 to 5। पहले और से सुनिए मेरी बातें, कि 5D देन 4D देन 3D। जैसे अगर आपको कोई पूछ दे लैंथेनम, सॉरी आपसे पूछ दे वेनाडियम, आपके पूछ दे जर्कोनिया, आपसे पूछ दे हाफनियम, क्या ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, तो आपको ये पहचानने आना चाहिए 3D में है जर्कोनियम, 4D में है ये, 5D में है, डायरेक्ट बताइए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। सुना सारे लोग? यस यस। हाँ, ये सब आयो आपसे पूछा जाए, अब आइए, वेनाडियम है, यूबीएम है, टंटेनम है, पहले पहचानना होगा वेनाडियम 3D का है, ये 4D का है, ये 5D का है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। यस सर। पहले यहाँ तक लिखिए सारे लोग, ये लिख लिया था आपने? यस सर, ये लिख लिया। सब लोगों ने लिख लिया था? यस सर। यस सर। पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, निकल है, पैलाडियम है, प्लैटिनम है, आयरन है, जैसे आपको कहेगा तो आपको पहचानना है ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। Transformation.
अब ध्यान दीजिए, अब 3D 4D 5D में तीन रिजल्ट को छोड़कर याद रखना। पहला रिजल्ट और से सुनिएगा, ZN CDHG, ZN 3D सीरीज का, ये 4D ये 5D का है कि नहीं, जल्दी बोले हाँ या ना। yes, अगर इसमें ऑर्डर आपका है हाँ, इसमें देखिएगा सतर्क रहिए। क्यों? आप लॉजिक समझिए, HG लिक्विड में होता है तो अब क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जबकि 5D का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। आप यहाँ पर सतर्क रहेंगे, HG का सबसे कम होगा, कैडमियम फिर जिंक फिर HG। सुना? दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए स्कैंडियम, इटीरियम, लैंथेनम, ये भी 3D, ये 4D। तो आपने नहीं पढ़ा 11th में या अभी भी? लैंथेनम में F आता ही नहीं, इसमें कोई पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगी, सब में D1 है। और आपको मालूम है टॉप टू बॉटम इसमें साइज बढ़ती है, जब साइज बढ़ेगी तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगा, इसलिए सतर्क रहना है। तीन रिजल्ट, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इसलिए इसमें S ब्लॉक की तरह बॉटम में ज्यादा होगा, या स्कैंडियम फिर इटीरियम, क्योंकि इसमें नो लेंथ। यही पूरे ग्रुप, पूरे डी ब्लॉक में यही एक सिंगल ग्रुप है वेयर नो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी नो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F। सुना? मतलब नो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन वही F की पुअर शील्डिंग की वजह से होता है, लैंथेनम में है ही नहीं है F। डिड यू अंडरस्टैंड? हम लॉजिक लगाएंगे, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो भी, इसलिए इसमें 3D की ज्यादा होगी देन 4D, एकदम केमिस्ट्री में इसलिए सतर्क रहना है। अब तीसरा रिजल्ट, तो वो तो आप एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है, कॉपर AG और AU। आप देखिए जाके NCRT में ग्राफ देखिए, NCRT की यही खास बात, आप NCRT में कहीं पर क्वेश्चन नहीं लिखा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखे, लेकिन ग्राफ में देखिए, ग्राफ में तीनों का ऑर्डर आप जब देखिएगा, ये 3D है, और आप ज्वेलरी वाले के यहाँ पूछिएगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट सिल्वर और गोल्ड की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, इसमें ऑर्डर कॉपर फिर AU फिर AG, ये ऑन द बेसिस ऑफ डेटा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की मेल्ट, इसलिए देखते हैं एक दूसरे को मेल्ट करके एक दूसरे पर ज्वेलरी चढ़ाई जाती है, एक दूसरे को मिक्स किया जाता है। अरे बोले हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। ये तीन ऑर्डर को दिमाग में रखना, ये तो लिक्विड है इसलिए कम हो गया, सबका लॉजिक है, यहाँ तो भाई लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं है, 5D में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती यहाँ है ही नहीं, इसलिए, और यहाँ तो डेटा के बेसिस पर है कि AGOU के ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट तो कॉपर, तो ये दिस इज वेरी वेरी, ग्राफ में भी जाके आप चेक कीजिए, 3D 4D में तो कॉपर का ऊपर आपको मिलेगा। तो NCRT में यही सब चीज, इनको कहते हैं लोग कि NCRT से बाहर का पूछता है, अभी सब पूरा पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब चीजें क्लियर होंगी। इसलिए कोई भी पूछे 3D 4D 5D में किसका ज्यादा है, तो 5D का ज्यादा, देन 4D देन 3D, तीन रिजल्ट को छोड़कर, ZN CDHG, स्कैंडियम इटीरियम, लैंथेनम, CUAGAU, इन तीन को छोड़कर तमाम में 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D। ग्राफ भी है, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ ही यही सब चीजों को क्लियर करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। एक
रिया जल्दी बोलिए। डन सर। यस सर। डन सर। देखिए इतनी सारी बातें मेल्टिंग पॉइंट में याद रखना है। अब थर्ड आइए, बहुत ही छोटा सा है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये क्या होता है मेरे साथ साथ लिखिए। अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना इस कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी भी लिक्विड है तो गैसेस एटम में, सॉलिड है तो गैसेस एटम में करना, सब को करना। देखिए ट्रांजिशन मेटल का जो होता है ना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत ही हाई होता है, क्योंकि सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है। अभी पढ़ाना आपने। यस सर। यस सर। क्लास 11 के लिए फीस के लिए नेम्स लिख दीजिए, जिससे बोला निकले यहाँ तक। यस सर। देखिए 3D सीरीज में सबसे मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक का होगा, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं जल्दी बोलिए। कैडमियम का होगा, 5D में HG का होगा। ये आपको ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको मिनिमम का आपसे पूछ सकता है। जी का इसलिए होगा ना क्योंकि वो लिक्विड है। नहीं नहीं सबका लिक्विड भी है, कंप्लीटली फिल्ड है ना, डिटेन है। यस सर। हाँ
लिक्विड तो हाँ, इन तीनों में मुकाबला होगा तो एच जी का सबसे कम होगा, लेकिन 5D सीरीज में सबसे मिनिमम D10 भी है और F14 भी है, सब है, और लिक्विड तो है ही है, इन तीनों में मुकाबला होगा तो एच जी का सबसे मिनिमम होगा। चलिए आगे बढ़े। यस सर, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर है। देखिए फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए आपने पढ़ा है ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, मालूम है ना आपको? यस सर, यस सर। हाँ, उसका रीजन यही है कि अभी जो मैंने कहा, इधर सुनिए, N-1D और NS का एनर्जी गैप कम है, वैलेंशियल और इनर्शियल में कम गैप है, इसलिए वैलेंशियल और इनर्शियल दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। सर आपको कैसे मालूम कि एनर्जी गैप कम है? तो केमिस्ट्री कहता है ना, बोर मॉडल, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी बट गैप कम होता जाएगा, जितना दूर जाएंगे हायर पीरियड में, इसलिए देखिएगा एफ और डी में हायर पीरियड में एनर्जी गैप बहुत कम होता है वैलेंशियल इनर्शियल में, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होता है सेकंड टू वन और सेकंड ऑर्बिट में, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। जैसे जैसे हायर पीरियड में जाएंगे लास्ट शेल और इनर्शियल में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, उसके उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंशियल के साथ साथ इनर्शियल भी टेक पार्ट करता है, इससे भी कम एनर्जी गैप एफ में आएगा, 6s 4f 5d एनर्जी गैप बहुत ही कम है। कैसे मालूम? हायर पीरियड है, हायर पीरियड में एनर्जी गैप कम है, ये बोर्स मॉडल का ये डायलॉग है, n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी शेल बढ़ता है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव शेल बिकम्स डिक्रीजेस, गैप कम होता जाता है। यही वजह है ना, जैसे आप जाएंगे ग्रुप में भी टॉप टू बॉटम आपने क्या पढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, बोलिए हाँ या ना? यस सर। लेकिन याद रखिए दो एलिमेंट का साइज का डिफरेंस कम होता जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम है, मान लेते हैं टॉप टू बॉटम साइज तो बढ़ रही है, लेकिन इसमें जो आपको ऐसे पूछ देगा कि इसमें जो साइज का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वही नीचे जाने पर एफ और डी आ जाता है, एनर्जी गैप कम हो जाता है, साइज डिफरेंस कम हो जाता है, इसलिए इस दोनों में बहुत ही माइनर, हाँ फ्रेंशियम की साइज बड़ी होगी लेकिन डिफरेंस सीजियम से फ्रेंशियम में बहुत ही मिनिमम होगा। ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे शेल बढ़ता है तो एनर्जी गैप कम होता जाता है, एनर्जी बढ़ती है लेकिन दो कंसेक्यूटिव का एनर्जी गैप कम होता जाता है, इसलिए आपसे पूछेगा Why transition element shows variable oxidation state? Because the energy gap between NS and N-1 is very close to each other. So the electrons of both orbital can take part in bond formation. इसलिए variable है, जैसे manganese है, तो यहाँ देखिए 4s square 3d5 है, तो दो तो करेगा ही, दो तीन चार पांच छह सात, इतना variable है, दो से लेकर सात तक करेगा। Chromium का 4s1 3d5, तो 1 तो नहीं करता है, तो ओरिजिनली 2 होता है, 2 तो लेकर 3 4 5 6, बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर, समझ आ गया। यस सर। हाँ, बोलो।
देखिए स्कैंडियम का तो केवल प्लस थ्री होता है, इसका आपको मालूम है प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, कैसे तो थ्री डी वन है फोर एस स्क्वायर है थ्री डी टू है, थ्री डी थ्री फोर एस स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, थ्री डी फाइव फोर एस वन है तो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, थ्री डी फाइव फोर एस स्क्वायर है प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन। आयरन का थ्री, अब यहाँ से पेयरिंग शुरू हो गई, आयरन का आपको मालूम है प्लस टू प्लस थ्री तो होता ही है, लेकिन कहीं कहीं पर प्लस टू फाइव से लेकर प्लस सिक्स ये तीनों कॉमन नहीं, ब्रैकेट में लिख दो तो पॉसिबल है आ गया है, लेकिन कॉमन नहीं है, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ये इसमें कॉमन नहीं है, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कॉमन नहीं है, कॉपर का तो प्लस वन प्लस टू जानते हैं, जिंक का प्लस टू आप जानते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, पर ये लिखा तो राइट में जैसे जैसे जा रहे हैं वेरिएबल की टेंडेंसी कम हो रही है। प्लस फोर को वॉल्ट और निकल में वो कॉमन नहीं है ना, पॉसिबल है लेकिन उतना कॉमन नहीं है। ओके सर, सर एफई के 4 5 6 में भी कुछ है? हाँ भाई कॉमन नहीं है, पॉसिबल है कॉमन नहीं है, प्लस टू प्लस थ्री ज्यादा कॉमन है। ओके सर, done sir, thank you, class at 9।